सब कुछ पुठा हो जाता है, बेचारी रोती रहती है। हाय बेबी, मिलाफे काबा के मतलब टुकड़े का हिस्सा बन सके। बट एटलीस्ट आई गेट अ चांस कि मैं मतलब उस पर एक टांका लगा सकूं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आई एम स्टार्टिंग माय व्लॉग फ्रॉम हियर। व्लॉग को एंड तक लास्ट भी देखे। तो गाइस आई हैव नो क्लू अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, बट लेट्स सी। सो ये रहा हमारा नाश्ता जिसमें हमारे पास है पराठा, ऑमलेट, हलीम एंड फ्राइड एग्स। तो गाइस ये जितनी भी आपको जगह नज़र आ रही है ये सारी की सारी है किस्वा फैक्ट्री। सो जिन लोगों को नहीं पता कि किस्वा फैक्ट्री क्या है, किस्वा फैक्ट्री वो जगह है जहाँ पे गुलाफे काबा बनता है। सो आज हम लोग जाएंगे किस्वा फैक्ट्री गुलाफ में, लाइक यू नो एक छोटा सा टांका लगाने के लिए। सो ये रही यहाँ की एंट्रेंस। And it's like a dream came true. Let's just go. सो ये किस्वा फैक्ट्री की वो वाली एंट्रेंस है जहाँ से हम लोगों को अंदर जाके गुलाफ पे टांका लगाना है। सो गाइज दिस इज़ द मेन थिंग जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। एंड अभी बस यहाँ पे सब फोटोज़ वीडियोज़ बना रहे हैं एंड बाद में हम इस तरह टांका लगाएंगे। ओ माई गॉड दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। तो गाइज चेक करें इस पूरे रूम में जगह जगह गुलाफ के टुकड़े लगे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ये रही यहाँ के सोदिया के प्रिंस की फ़ोटोज़। सो अभी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं किस्वा फैक्ट्री के मैनेजर का। सो गाइज़ यहाँ पे इन लोगों ने ये काबा का दरवाज़ा बनाया हुआ रखा हुआ है, तो ऊपर से इसके गुलाफ अभी उतारा हुआ है। एंड यहाँ पे ये लोग हमें वीडियो दिखा रहे हैं किस्वा किस तरह बनता है, लाइक गुलाफ किस तरह बनता है, वो सारा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे अरेबिक में वीडियो दिखाई जा रही है जो कि हमें आती नहीं है, बट हम लोग सब टाइटल्स पढ़ रहे हैं एंड उसके थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है। एंड यहाँ पर बस अभी इंतज़ार नहीं हो रहा लाइक बिल्कुल भी। सो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया हुआ है यहाँ पे काबा का। ऑब्वियसली बात है रियल जैसा नहीं है बट स्टिल माशाल्लाह। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अकेले थे। फाइनली द वेट इज ओवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश है यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो चलो लेट्स गो होम। सो गाइस दिस इज द किस्वा फैक्ट्री जहाँ पे खाना खबर का गिलाफ बनता है एंड इसका व्यू बहुत यार माशाल्लाह। इसको कोई काम धंधा नहीं है
ये भाई बुलाई जा रहा है जी, अपना तारुफ करवाए, आप अपना तारुफ खुद करवाए। मैं बहुत मासूम हूँ, मस्कीन हूँ, यहाँ पे मेरी जान लीजिए है, छोटी छोटी बातें मुझको गुस्सा हो जाते हैं, मैं यहाँ पे बड़ी अपनी ट्राई कर रहा था। ये कैसा इंट्रो है? अच्छा, मैं अपने दुखड़े सुना रहा हूँ तो ये यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहा है हम लोग को। कोशिश कर रहा हूँ कि इनका टूर अच्छा हो, मेमोरेबल हो, लेकिन इनके माड़े नसीब हैं, सब कुछ पुठा हो जाता है, बेचारी रोती रहती है। बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया। फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड, सो आई फील लाइक ब्लेस्ड के मतलब मैं गिलाफ़े काबा के मतलब टुकड़े का हिस्सा बन सकी। लाइक आई डोंट नो हाउ टू यू नो एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, बट एटलीस्ट आई गेट अ चांस कि मैं मतलब उस पर एक टांका लगा सकूं, एंड इंशाल्लाह हज के मौके पे ये गिलाफ चेंज किया जाएगा एंड मीट दिस क्यूटी। तो गाइस ये पूरी किस्वा फैक्ट्री है इनकी माशाल्लाह, एंड यहाँ पे अंदर सारा प्रोसेस होता है। ये वो जगह है लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कह लें काइंड ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट काम होते हैं लाइक ए टू जी सारे काम लाइक गिलाफ के। सो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सारे काम होंगे गिलाफ के, जिसको किस्वा बोलते हैं अरेबिक में। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स जहाँ पे किस्वा तैयार होता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मेन फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े से लेके धागा एंड एवरीथिंग सारा कुछ यहाँ पे बनता है, एंड यहाँ पे जाने की अभी हमें फ़िलहाल परमिशन नहीं मिली क्योंकि ये फ़िलहाल बंद हुआ हुआ था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह का जितना 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 शुक्र अदा कर सको वो कम है। मैं इस टूर में बहुत रोई हूँ बिकॉज आई वॉज लाइक आई डोंट नो इफ आई कैन मेक इट और नॉट, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, सब कुछ सही से हो गया है एंड लेट्स जस्ट गो बैक। हेलो इन्होंने इसलिए डिमोलिश की क्योंकि हमारे लोग एशियन लोग यहाँ चांद के दो टुकड़े हुए वो ऊपर जो टावर के साथ यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा किया था, यहाँ चांद के टुकड़े। ये नफक तरीक उमर बिन खत्ताब हजरत उमर तो यहाँ पे ये अंकल प्रीचिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कि मकड़ी को हुक्म दे दिया करता था कि यहाँ पे जाला बंद है, और कबूतरी को हुक्म दे दिया था कि यहाँ पे अंडे दे दें, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो थे उन्हें इसका शर्फ हासिल हुआ था कि उन्होंने वो यार गार थे, और ये वो मकाम है ऊपर गार है, बाहर नीचे उतरे मैं आपको बताता हूँ। ये वो रास्ता ऊपर जा रहे हैं, दो नहीं चाहिए, मदीना कर आया वो नहीं, हदिया देगा। तो गाइस ये है गारे सोर एंड वहाँ पे ऊपर ऊपर तक लोग पहुँच रहे हैं माशाल्लाह। तो गाइस मेरे पीछे है गारे सोर एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, लाइक बहुत ज़्यादा रश है, एंड अभी हम वापस जा रहे हैं, सो वी हैव टू गो बैक। अरफात के लिए रवाना होते हैं, यही रास्ता लेते हैं, खल्फी मतलब हदूद से बाहर से जाना होता है, यही रास्ता लेते थे, वही मस्जिद राजी जिसका बताया था
आपका DHA वाला जो होता आपने मेडिटेशन लगाई थी वो, और लेफ्ट साइड पे सारी मिनिस्ट्रीज हैं। अभी आपको ऊपर आप बोर्ड्स भी पढ़ते जाएंगे, इनके मिनिस्ट्री भी, इनके गवर्नमेंट के जो भी हैं सब डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे इस साइड पे सबसे लास्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है, असर के बाद वो यहाँ से रवाना होते हैं और ईशा से पहले पहले उन्होंने वहाँ पर पहुँचना होता है नौजिल हज को, वहाँ पर जाके उन्होंने जाके काम करना होता है। रात मतलब रात तक बोना शुरू कर देते हैं। मकसद ये होता है कि तहज्जुद की नमाज आपने अरफात के अंदर पढ़नी है, अरफात के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। अरफात के अंदर आपने कौन कौन से रुकन होते हैं, आपने वहाँ पर तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़नी है, ईदैन पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने ज़ोहरैन पढ़नी है और असर पढ़ के आपने वहाँ से रवाना होना। उसी के दौरान आपने अरफात के अंदर रहना है और अरफात वो मकाम है, अरफात के बारे में जो उसमें मुहद्दिसीन ने लिखा है, अरफातुल अर्ज़ कससुल अर्ज़, ज़मीन का सिमट जाना और ज़मीन का खुल जाना। जहाँ पे 100,000 बंदा भी हो तो ऐसे लगता है कि अरफात के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। वहाँ पे हाईएस्ट जो है 3.9 मिलियन का हज हो चुका है, तो 43 लाख लोग हज उसके अंदर हजाज आ चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे खुल जाता है वो जगह उसकी, समा जाता है। और ये अरफात का मैदान वही मैदान है जहाँ पे रोज़े महशर तमाम रूहों को उठा के लाया जाएगा। ये अरफात का मैदान वही मैदान है जहाँ पे आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा दिया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अरफात का मैदान वही मैदान है जिसमें जबले रहमत है, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और ये वही मैदान है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी। बिलाल मैंने बड़ी दफ़ा देखा किसी को बोला ना तो साथ, इंशाल्लाह ये वो मकाम है जहाँ पे बड़ी सुनी जाती है, लाखों की तादाद में यहाँ पे आमीन होती है। मैदान भी बड़ा बाबरकत मैदान है बिल्कुल। ओके, जब आप नौज़िलहज को आएंगे तो अरफात के अंदर दाखिल होने पर ये येलो बोर्ड है आपकी एंट्री। जब आप अरफात के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इस येलो बोर्ड की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आप पे हज की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। जैसे आप इसके अंदर तो आप इसको क्रॉस इससे बाहर आएंगे तो आप पे दम नहीं होगा, आप हज से बाहर होंगे। बाकी को गलती होती है उसका दम होता है, लेकिन अगर इससे आप करते हैं कि मतलब बाहर चले जाते हैं हदूद से, फिर आप पे दम, वो आप हज से बाहर होंगे। बकरा देना पड़ता है अंदर की। गए थे ना तुम, जहाँ तुम लोगों ने नाम भी लिखे थे, इस दफा ना लिखे। नमाज पढ़ी जाती है, कई लोग जोहर की और असर की, कई लोग खेमे में पढ़ लेते हैं क्योंकि नहीं जा सकते, वो अरफात के अंदर है ना, वो दूर सारी है ना, जो मेन पॉइंट है उसका, मस्जिद आधी मस्जिद उससे बाहर है और आधी अरफात के अंदर है। ग्रीन कारपेट्स एंड रेड कारपेट्स का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग नवाफिल अदा करने आए हैं, हम लोग यहाँ पे नफिल अदा करेंगे एंड विल गो बैक। तो यहाँ पे बाबा नफिल अदा करके फ्री हो गए एंड बस दवा मांग रहे हैं। हियर कम्स माय मदर। हेलो बर्डीज। सो यहाँ पे आपको सब जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर नज़र आएंगे माशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पे मैंने दाना लिए कबूतरों को डालने के लिए, सो चलो इनको दाना डालते हैं। तरीके से खोलेंगे। कबूतरों को डालते हैं दाना डालने में। तो आपने दाना नहीं डाला, तो मैंने कबूतरों को दाना डाल के उड़ा भी दिया। हेलो बेबी। मान देना था लेकिन अगर टाइम होता मेरे पास बिजी हुआ तो बादल बन रहे हैं, काले बादल बन रहे हैं, बारिश होने वाली है।
यार प्लीज बारिश कर दो। यहाँ पे शाम में ना असर के बाद सऊदीज फैमिलीज, पाकिस्तानी फैमिली जो यहाँ पे वो यहाँ पे आके काम करते हैं, खाना पीना एज अ पिकनिक टाइप में। मस्जिदें ये सारी तभी खुलती हैं, फोटो बनानी है फोटो बनाने। मारना कहाँ पे होता है? शैतान को मारना था। किस साइड पे? वो पिलर जो बने हैं ना, वो आगे आएंगे। आज पढ़ के खुले आसमान तले रात गुजार के जब रात को कंकरी मारनी होती है, और यहाँ पे तीन दिन काम करते हैं खैमे। कंकरियाँ मारनी होती है। अब जमरात की क्या हिस्ट्री है अभी हम आगे ठहरूंगा तो वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जब उन्हें कहा गया कि जी सबसे जान से प्यारी चीज़ का अल्लाह के लिए कुर्बानी दें, तो वो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम उनके लिए बड़े प्यारे थे, औलाद थे, तो वो कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो शैतान ने तीन दफ़ा उन्हें बहकाने की कोशिश की। तुम्हारा अबू जो है तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहे हैं, जिन्ना दिख मेरे प्यारे की सुन्नत नहीं अदा करेंगे मैं आज कबूल नहीं कराँगा। ये मीना ओल्ड मीना है जहाँ पे आग लगी थी, वो पिलर वो मकाम है जहाँ पे कुर्बानी के लिए लिटाया था, फिर जन्नत से दुम्बा आ गया था। और ये बादशाह का पैलेस है, ये कैसर मलकी है, मतलब जो है मुझे यहाँ पे आना है। ये मीना व्यू पीछे तक किसी, ये रॉयल्स का है, ये बादशाह मस्जिद अल खाइफ, छुपी हुई मस्जिद। तमाम अंबिया ने इसके अंदर नमाज पढ़ी है। ये नीचे जो पिलर ऊपर आ रहे हैं, ये पूरी मस्जिद है, ये जमीन के अंदर मस्जिद है। और आखिरी वो जमरात जहाँ पे शैतानों को कंकरियां मारी जाती है, उसके नीचे जो दीवार है बनाए हूँ पिलर। हाँ पहले जाती जी तरह के पिलर होंगे सिरमल के बड़े सिमर तक नीचे पिलर है, वो जो छतरी के अंदर ना हाँ। छः फ्लोर का आते हैं ना। आओ बात फिर तोहफे विदा करने के बाद अहराम करना था, वापस फिर आना पड़ता है ठीक है। और वो सामने गारे हीरा है, और ये वो अदल का मैदान है जो मैं बता रहा था उस टाइम, वो सर कलम किया जाता है जहाँ पे और सारी सजाएं दी जाती है। अब खत्म हो गया सिस्टम, अब खत्म हो गया, अब मुशायरा में देता है। और इस मकाम पे 300 सहाबा के साथ अहराम बांधा था आपने शुक्राने का अदा करने के लिए, 300 सहाबा के साथ। और यहाँ पे एक बेरी है कहते हैं उसके पत्ते औलाद के लिए, कैंसर के लिए। ये मिकात है, मिकात जुराना वो कुआं है, वो जो सामने नजर आ रही है ना गाड़ी के पीछे आपको, ये तस्वीरें भी होंगी हमारे पास देखना, वो कुआं छोटे छोटे यहाँ सीढ़ियों के पास खड़े हुआ था, आज फिलिपीनी सुडानी खड़े थे, नहीं वो उसका पानी इसके साथ नहीं था, लेकिन कहते हैं लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है। ये मस्जिद का है जहाँ पे अकद हुआ था सऊदीया का, सऊद का ये जगह है। ये कौन सी मस्जिद है? कौन सी इलाकाई मस्जिद है? रॉयल मस्जिद होती थी एक टाइम में, क्योंकि पीछे वो फैसल का किंग फैसल का घर था। बारी तला मेरी उम्मत की शक्लें ना बदलें, और दूसरी तक यह बारी तला मेरी उम्मत अगर कोई गुनाह करती है उसी टाइम दूसरी कौमों की तरह उन पर अजाब नाजिल ना हो। और तीसरी दुआ मांगने लगे थे तो रोक दिया था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, और आप सरकार के दोनों शहजादे बेटों की कब्र एक तरह से
तलावत सुनकर इस्लाम कबूल फरमाया था और ये मस्जिद बनाई थी। ये छोटी वाली मस्जिद जो है ना, ऑन द लेफ्ट साइड मस्जिद शजर आएगी, फतेह मक्का, जहाँ पे आम माफी का ऐलान हुआ था। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करके लोगों से कहा था कि अब छुप के इबादत करने की जरूरत नहीं है। आका करीम सल्लम से कहा कि अगर आप कोई बेजान साका चीज आपकी गवाही दे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ज़ाहिर वो थे ना, मतलब मस्करे करते थे, मजाक करते थे। तो आपने दरख्त से दरख्त को बुलाया, उसने आके आपका कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि यहाँ पे कलमा पढ़ा और आपकी गवाही थी। तो उन्होंने ना कि इससे मुतासिर होते इस्लाम कबूल करते, वो इसी की बात करना और आपका सुनना तो गाइस फाइनली वी आर बैक एंड हमारा खाना भी आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने चिकन एंड राइस मंगवाए थे। सो इसी के साथ आई एम जस्ट एंडिंग माय व्लॉग हियर। बाय बाय।